और अब अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां राजनीति में एक बार फिर से काफी गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई ढाई साल वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, हालांकि शिवसेना और एनसीपी दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया। एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक तो एबीपी न्यूज से बात करते वक्त यहां तक कह बैठे कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, और आज ही एक पूर्व मंत्री ने भी अजीत पवार से मुलाकात की है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री पद को लेकर एनसीपी के साथ हुई डील की बात सियासी हलकों में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। डील ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद पर रहने की, लेकिन शिवसेना ने साफ किया है कि ऐसी कोई डील नहीं है। शिवसेना को पूरे 5 साल के लिए सीएम की कुर्सी मिली है, सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा है। महाराष्ट्र में फिर उथल पुथल होगी और राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, ऐसी अफवाहें बीच बीच में उड़ाई जाती हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली के अचानक किए गए दौरे से ये अफवाहें कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई हैं। ढाई साल बाद मुख्यमंत्री पद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से दावेदारी ठोकी जाएगी और वहां अघाड़ी में विवाद की चिंगारी फड़केगी। उस विवाद से राज्य में नई राजनीतिक घटनाओं में तेजी आएगी, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है, लेकिन बीजेपी को संजय राउत की इन बातों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना अपनी सरकार बचाने के लिए खुद ही तरह तरह की अफवाहों को हवा दे रही है। जब से ये तीनों दलों की सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस दिन से प्रतिदिन या किसी मीडिया के साथ बयानबाजी में या अखबार के द्वारा एक ही बात दोहराई जाती है कि इनके सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब सामना का नाम बदल करके महाराष्ट्र की सरकार को खतरा नहीं यही नाम लिख दो, ताकि बार बार आपको लिखने की नौबत न आए। बद से बदतर हालात है ये देश देख रहा है। आपराधिक मामलों में ये सरकार पूरी तरह से लिप्त है। हालांकि एनसीपी भी 50-50 फॉर्मूले से इनकार कर रही है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी यही कहा कि सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं था। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव ये पवार साहब का था। उद्धव ठाकरे जी कभी भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, जिसे हम लोगों ने नाम आगे किया उन्हें ढाई साल में हटा देंगे। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, ढाई साल का फॉर्मूला रख रही थी जो बीजेपी ने नहीं माना, लेकिन ढाई साल वाली कोई बात हमने नहीं की। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में सरकार अच्छा काम कर रही है। शिवसेना एनसीपी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक है ऐसा कहा नहीं जा सकता। सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इशारों इशारों में सीएम बनने की चाहत जता दी है। अभी अमानकर साहब ने कहा कि नाना भाऊ को मुख्यमंत्री करना है, फिर ये कैसे होगा? इसके बाद 2 साल पहले की बात है, मैं जाते हुए तुम्हारे कलेक्टर को बोलते हुए गया कि उन्होंने अपील की हो तो हो गया ना, कैसे काम करते हैं ये हमें पता है। तुमने मुझे विधानसभा में देखा है, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि सब लोग एकजुट रहें। मुरलीधर राउत, आपने बहुत समाज सेवा की, अब आप कांग्रेस का प्रचार करिए। नाना भाऊ को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना है। नाना पटोले के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि पटोले के बयान से ये साबित होता है कि महाविकास अघाड़ी में सब ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना कह रही है कि सरकार तय एजेंडे पर चल रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पटोले जी का बयान कि वे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह उनकी मंशा दर्शाती है कि वर्तमान शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से कांग्रेस दल नाराज है। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनके लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूंगी। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अपने अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि महाराष्ट्र की बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथों में है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब भविष्य में गठबंधन यूं ही बना रहेगा या फिर इसमें मनभेद होगा, ये
देखने वाली बात होगी। ABP News आपको रखे आगे।